वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? आज हम बात करने वाले हैं कि अपने लर्निंग पे फोकस करो, है ना, अपने नॉलेज को, अपने जानकारी को बढ़ाओ। बहुत लोग बोलते हैं यार कि मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, मैं फ्री हूँ, समझ में नहीं आता यार क्या करूँ। क्या सच में तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है करने के लिए? तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। तुम अगर सिर्फ इमेजिन करना स्टार्ट करो, इमेजिन करते करते थक जाओगे। इतनी सारी चीज़ें हैं जिंदगी में करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छे से अच्छे, बहुत लोगों ने तो अच्छी खासी स्टडी की है ना, MBA किया है, ग्रेजुएशन किया है, और भी बहुत सारी पढ़ाई की है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज ज़बरदस्त सक्सेसफुल हैं, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या उन्होंने कुछ नहीं सीखा? बिना कुछ सीखे ही मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, या फिर बिना कुछ सीखे ही सक्सेसफुल हो गए? नहीं दोस्त, उन्होंने हर वो स्किल पे फोकस किया, हर वो सीखने की चाहत रखी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, या फिर कोई एजुकेशन के फील्ड में हो, या किसी और तरीके से कोई भी जानकारी है, वो हमेशा सीखने का इच्छा उनके अंदर हमेशा से था। और सीखते थे जब भी उनको मौका मिलता, नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, या और भी बहुत सारी जगहों से बुक्स पढ़ के, है ना, या अच्छे अच्छे लोगों को सुन के उनसे इन सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, नॉलेज अपने अंदर ली, तब जाकर यार वो सक्सेसफुल है। तुम भी यार जो आलतू फालतू चीज़ों में तो इन्वॉल्व रहते हो, इसकी बातें, उसकी बातें, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, वो दिखने में ऐसा है, है ना, वो एक्ट्रेस का इसके साथ अफेयर है, उसके साथ ये है, उसके साथ वो है, जो फालतू की ये वो मूवी आ रही है, वो हीरो ऐसा है, इस सारी चक्करों में जो ज़्यादातर लोग, 90% लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या फिर जहाँ आज हैं, आज के 10 साल बाद वहीं आपको मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी अपने लर्निंग पे फोकस नहीं किया। देखो यार, एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वही पढ़ाई नहीं होती है, नहीं, उसी को एजुकेशन नहीं बोलते हैं। लर्निंग भी एक प्रकार का आपका एजुकेशन है, चाहे कोई भी लर्निंग हो ना, वो आप कंप्यूटर के से रिलेटेड कोई जानकारी ले रहे हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी ले रहे हो, आप इंटरनेट से रिलेटेड जानकारी ले रहे हो, या फिर सोशल मीडिया, या फिर यूट्यूब। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सीखो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलूँ तो थक जाऊँगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी आप इन सारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, कभी आप इन सारी चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपने सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने लर्निंग को बढ़ा ही नहीं रहे हो। देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ज़रूरी नहीं है, वहाँ से एजुकेशन लो, ज़रूरी नहीं है। आप ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बिना स्कूल गए, कॉलेज गए, लोगों से सीख सकते हो, है ना। और आज का जो समय है, इतना सारा डिजिटल हो गया ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हर चीज़ सीख सकते हो। आप टाइम भी पास करो, टाइम को वेस्ट भी करो, इस कदर करो कि वो आपको फ्यूचर में यूटिलाइज हो जाए, बात समझे। अपने टाइम भी आपने इस तरीके से उसको वेस्ट किया कि आपको वो फ्यूचर में यूटिलाइज होगा। अब अभी आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन ये फ्यूचर में जब आपको काम देगी, तब आपको लगेगा कि यार उस समय तो टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, उसका यूटिलाइज है। जैसे कि आप बिना फालतू की चीज़ें, जो भी कुछ आज आप कर रहे हो, उसको कुछ सीखने में लगाओ, है ना, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे न्यूज़ देखो, या फिर बहुत सारे कंपनीज के बारे में होती है कि ये कंपनी इतनी लेवल पे है, top 10 कौन कंपनी है, इंडिया में top 10 कंपनी कौन है, इंडिया में richest पर्सन कौन है, या फिर इंडिया में top 100 में कौन कौन लोग आते हैं जो बहुत richest हैं, उनकी स्टोरी पढ़ो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, वर्ल्ड के लेवल पे देखो ना, वर्ल्ड में कौन कौन से लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, सबसे पैसे वाले हैं top 100 में, और उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या परेशानियों को देखा है, उनका बायोग्राफी क्या है, ये सारी चीज़ें देखो, है ना। ये सारी जब चीज़ों आप देखोगे, इसके बारे में आप जानोगे, तो आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, और जब जब आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, आप पहले से बेटर इंसान बनते जाओगे। और जब नॉलेज आपका बढ़ेगा, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आपका नॉलेज अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, उस फील्ड के आप धीरे धीरे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो गए, तो पैसा तो आपके पास चल के आएगा, है ना, आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास चल के आएगा। तो टाइम भी वेस्ट करो इस कदर कि वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आए, वो टाइम वेस्ट ना हो जाए, यानी कि आज आपने, आपको लगेगा कि वो टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन टाइम वेस्ट ना हो के वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगा, बैड मोमेंट में आपका सहारा बनेगा, आपको साथ देगा।
तो इसलिए दोस्त अपने लर्निंग पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों में इधर उधर की थोड़ी बहुत चलती है दोस्त, हर कोई करता है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे जिसका फ्यूचर में कोई गोल नहीं है, या जो कोई जानकारी नहीं देता, कोई सीख नहीं देता, कोई एजुकेशन नहीं देता, जो हमको कुछ सिखा नहीं रहा है, जो हमको कुछ ज्ञान नहीं दे रहा है, वो सारी चीज़ें फालतू है। ठीक है,